इतना डिटेल में नमाज का हुक्म दिया कि जो ही बच्चा पैदा हुआ उसके कान में हैया अलस्सला कहो, अजान दो। तो पहला हुक्म बच्चे को नमाज का दे दिया, अभी पैदा हुआ, अभी उसे चंद घंटे भी नहीं, चंद मिनट हुए हैं और उसके कान में क्या हुक्म जा रहा है, बोलो सारे हैया अलस्सला, चलो नमाज की तरफ, चलो नमाज की तरफ। वो पढ़ सकता है उस वक्त, बोलो वो पढ़ सकता है? वो तो जाके पढ़ेगा जब बालिग होगा, 13-14 साल की उम्र फर्ज होगी नमाज उस पर, उस वक्त पढ़ेगा। लेकिन क्या हुक्म पहले मिनट में ही दिया जा रहा है, पढ़ो नमाज। ऐसे ही है जैसे देखो हम अपने बच्चों को बचपन में ही, अभी तीसरी चौथी पहली क्लास में होते हैं, बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, बेटा तुमने इंजीनियर बनना है, बेटा तुमने ना बड़ा होकर फलां करना है, पायलट बनना है। अब वो छोटा सा बच्चा क्या पायलट बनेगा उस वक्त, वो क्या उस वक्त वो डॉक्टर जाके बन जाएगा? नहीं, हम उसे असल में बता रहे हैं कि जब तू बड़ा होगा तो तूने ये बनना है, अभी वो छोटा है। तो अल्लाह कान में अजान दिलवा के कह रहा है तूने नमाजी बनना है। हाय हाय, मिलके कहो ना सुभान अल्लाह।